हेलो गाइस, ये अगर आप भी इतनी सुंदर फ्रोजन थीम की ये डेकोरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, ये बहुत इजी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका देवकत्स कट लाइफ में। तो जैसा कि आज है हृदया का बर्थडे, तो मैं इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। हो गए हैं सब सो गए हैं, रात के बज रहे हैं 11। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना की जाए डेकोरेशन। तो ये देखिए, ये कुछ सामान है जो मैं लाई हूँ और थीम मैं आपको पहले पूरा बन जाए मैं फिर आपको बताती हूँ। और मैं ना सारी ट्रिक आपको बताऊंगी जो जो मैं यूज करूंगी इस डेकोरेशन में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हम लोग डेकोरेट करेंगे ये वाली वॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। दो ब्लू कर्टेंस के ये तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ये बलून्स फुलाने। तो कितने सुंदर लग रहा है ना, तो चलिए हम इनको बलून्स को फुलाते हैं। तो गाइस, ये मैंने कुछ फुलाए हैं माउथ से और कुछ पंप से। तो ये मेरे 20 से 25 मिनट में फुले हैं। आप चाहें तो और कोई मशीन यूज करके जल्दी भी फुला सकते हैं। डेकोरेशन करने के लिए मैंने ये दो सेलो टेप्स मंगाई हैं। तो जिसको इसको बोलते हैं ग्लू डॉट सेलो टेप और इसको आर्च करके समथिंग कुछ बोलते हैं। तो इस सेलो टेप का मैं पहले आपको यूज बता दूं, ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज है। आप देख रहे हैं जैसे कि स्टिकी है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जैसे ये मैंने बैलून लिया है, आपको ये बैलून पे ऐसे लगाना है और जब आप इसको ऐसे करके हटाएंगे ना, तो ये देखिए जिस तरीके से, जैसे डबल सेलो टेप होती है ना, ये ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद हम इसे, वेट मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसे बैलून भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए ये हो गया है। या आप इसे वॉल पे भी यूज कर सकते हैं, इससे वॉल पे भी निशान नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी है, आप इसको यूज कर सकते हैं डेकोरेशन में। और सेकंड है ये वाली सेलो टेप, इसका यूज तो मतलब गजब है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसा यूज करते हैं। इसका यूज तो ये सेलो टेप कुछ इस तरीके से आई है और जब मैं इसे खोल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से है। और इसमें आपको ना ऐसे, ये आपको ये देखिए, ये आपको ऐसे होल से दिख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज कैसे होगा, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको लेना है बैलून, और बैलून आपको जैसे ये जो बड़ा होल है ना, आपको ये इसमें डालना है। और जब आप ये बैलून इसमें डालेंगे तो आपको ये ऊपर की तरफ डालना है। एक बार मैं आपको फिर से करके बताती हूँ आपको क्या करना है। ये बड़े होल जो है इसमें आपको बैलून डालना है ऐसे करके, और इसको इस तरफ कर देना जहाँ ये पतला पूरी ये, आप देखना मैं इसका कैसे स्टैंड बना दूँ, बहुत सुंदर सा स्टैंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, डेकोरेशन पूरी देखना। तो गाइस देखिए, ये मैंने कितना बड़ा बना लिया है और ये मेरी सेलो टेप यहाँ पे खत्म हो गई है। एंड तक मैंने बना दिया इसको। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी डेकोरेशन। और डेकोरेशन के लिए सबसे पहले लगाऊंगी मैं ये कर्टेन्स। तो पहले मैं ये कर्टेन्स लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। और हमने ये जो कर्टेन्स लगाए हैं ये भी ग्लू डॉट सेलो टेप के थ्रू लगाए हैं ताकि हमारी वॉल पे जो है वो कोई निशान ना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छी सेलो टेप है। तो गाइस, अभी जो डेकोरेशन हुई है वो इतनी हुई है, ये देखिए दिख रही है आपको, ये ऐसे हुई है। तो वो मेरी पूरी जो सेलो टेप थी उससे आप लगभग इतना राउंड बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं लोग, स्टैंड लगाते हैं और ऐसे कर देते हैं, तो उसमें ये प्रॉपर फुल है। बट अभी ये हाफ डेकोरेशन है, अभी मैं इसको फुल करती हूँ, मिलती हूँ आपको। फ्रोजन की तो ये वाला जो रैपर है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कितने पीस आए हैं और क्या क्या आया है। तो इसमें आए हैं हमारे, डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके पास बैलून फुलाने वाला जो मशीन होती है ना, अगर वो है तो आपको इस डेकोरेशन में 30-35 मिनट्स लगेंगे ओनली, क्योंकि मैंने पंप और माउथ का यूज़ करा है बैलून्स को फुलाने के लिए। इस वजह से मेरी इस डेकोरेशन में 1 आवर लगा है, और मेरा छोटा बेबी उठ गया था इसलिए 1 से मतलब उससे ज़्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज आपको केवल 30-35 मिनट।
तो गाइस बज रहे हैं 1:30 और मैं अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। बट ये डेकोरेशन कैसी लगी है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके साथ सब शेयर करा है कि मैंने क्या क्या यूज़ करा है, और ये आपकी 1.5 घंटे में डेकोरेशन हो गई है, जिसमें मैंने ये करा है और ये वाली बॉल भी करी है, और मैंने कुछ बालकनी में भी लगाए हैं। मतलब बालकनी में मैंने साइड में बैलून और बीच में मैंने स्टार लगाया है रोज गोल्ड कलर का, ठीक है। तो गाइज आप डेकोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप बाहर से भी करा सकते हैं, बट जब ये छोटा मोटा होता है ना तो आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज खुशी मिलती है। मैं भले ही थक गई बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाँ मैंने अपनी बेटी के 5th बर्थडे की डेकोरेशन खुद करी और जल्दी हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और तो लाइक एंड सब्सक्राइब देवगंज गुड लाइफ, और अभी बर्थडे के बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा है तो। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड अपनी गुड विशेस हृदय को जरूर दीजिएगा।